नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना खुशीराम मल्होत्रा। आज है इतवार का दिन और हम लोग निकले हैं आज साइकिलिंग के लिए। और देखिए मेरे पीछे बहुत अच्छा सुंदर नज़ारा है। ये देखिए कबूतर है और बिल्कुल मेरे पीछे सूर्योदय, झाड़े पेड़ों की बीच में से निकलते हुए सूर्य देवता, बढ़िया नज़ारा था। देखिए अद्भुत नज़ारा आता है। और हम जा रहे हैं अपनी टमटम पे। ये साइकिलिंग कर रहे हैं जी आजकल। पहले वाली साइकिल चोरी हो गई थी, ये हमारे दामाद जी ने दी है, उनके यहाँ रखी थी। उन्होंने कहा जी आप लो, बहुत प्यार और स्नेह से दी है भाई, 21 गियर वाली। हम चल रहे हैं इस टाइम द्वारका की सड़कों पे अपनी टमटम साइकिल पे। द्वारका में बहुत हरियाली है भाई, स्वच्छ हवा। जब घर से निकले थे थोड़ी थोड़ी ठंड थी, अब तो अंदर भैया पसीने से शराब और हो गए। और यहाँ हो गए हमारे को सूर्य देवता के दर्शन। ओम सूर्य देवताय नमः। देखो जी क्या लाली है। जीवन चलने का नाम, चलते रहो सुबह और शाम। वाह, ये भी सुबह सुबह अपने दाना चुगना, दिनचर्या है इनकी भी। संसार में सिर्फ मनुष्य ही एक ऐसा व्यक्ति है जो कमा के खाता है, उसको उसके लिए काम करना पड़ता है, लेकिन ऊपर वाले ने सबकी दिनचर्या लिखी है। किसी ना किसी को दाना पानी दे ही देता है, किसी भी ना किसी रूप में। चलते जाओ भाई, वजन कम करना भाई। शाम के टाइम में पार्क में एक्सरसाइज के लिए भी जाते थे, कभी कुछ लगा ही रहता। मैंने आपको बताया था, जैसे बार बार ही बोलता हूँ, जिम्मेदारियाँ आपको कंटिन्यू कुछ नहीं करने देती हैं भाई। सुबह सुबह का वक्त हमारा है तो निकल रहे हैं, ये वक्त हमारा है निकल रहे हैं। ये देखो कई लोग अपना टहलते हुए छोटी दौड़ लगा रहे हैं, करना भी चाहिए भाई। एक्सरसाइज शरीर के लिए बहुत फायदेमंद है। ये देखिए सब लगे हैं अपने स्वास्थ्य के लिए। और साइकिलिंग करते करते हम लोग आ गए जी एयरपोर्ट के नज़दीक। जो एयरपोर्ट वाला रोड है अंडरपास से पहले, वहाँ पहुँचने वाले हैं। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक कीजिए, शेयर जरूर कीजिए। शेयर करने से बहुत ज़्यादा फायदा होता है, क्योंकि आगे आगे बढ़ते हुए जैसे कहते हैं ना, साथी हाथ बढ़ाना। एक अकेला मिल जाए, थक जाए तो मिलकर बोझ उठाना। ये पहुंच गए भाई हम द्वारका वाले रोड पे। सामने का नज़ारा देखो जी, जय श्री राम, ओम नमः शिवाय। मंदिर की चोटी के पास सूर्य देवता विराजमान है। ये देखो जी हम लोग इस वक्त यहाँ हैं।
आपका स्वागत करता है। क्या स्वागत करता है? गांव पप्पन कला। भाई पुलों का जाल बन रहा है और 6-7 महीने के अंदर बहुत कुछ अलग ही कुछ नज़र आएगा हम लोगों को। आने वाली हमारी भावी पीढ़ी के लिए सुविधाजनक सफर होगा। और ये देखो दोस्तों, ये मेरे सामने भारत मंडपम। भाई अपनी टमटम पे उसी पे आ गए जी, भारत में उत्तम नगर से यहाँ पहुँच गए। और एयरपोर्ट वाली रोड पे है तो देखो हवाई जहाजों को दिखना तो जरूरी है। अरे भाई, जिसको मैं भारत मंडपम कह रहा था वो यशोभूमि है। मुझे लगा वो तो यार प्रगति मैदान के पास है। सुबह सुबह माऊ माऊ हो गया और ये काम चल रहा है और हम आ गए ये टमटम के पास। यशोभूमि यार, मंडपम कहाँ, प्रगति मैदान नहीं पहुँचा भाई मैं। सुबह सुबह हो गई है माऊ 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 माऊ। और ये देखिए जी, ये यशोभूमि। कुछ समय पहले ही प्रधानमंत्री जी ने उद्घाटन किया है और ये वाला फ्लाईओवर जा रहे हैं द्वारका एक्सप्रेसवे। मेरे पीछे बिल्कुल यशोभूमि। यशोभूमि मोदी जी ने भी जो नाम है ना ग्रंथों में से उठाए हुए हैं सारे संस्कृत वाले शब्द, यशोभूमि। यश, यश का मतलब कीर्तिमान होता भाई। यशो का क्या मतलब होता भाई, एक बार कमेंट में करके बताना। यशो का मतलब नहीं पता, यश का मतलब तो कीर्तिमान होता है। ये आ गई जी धूल रेस, नजफगढ़, पानीपत, रोहतक, चंडीगढ़, यहीं से निकल जाते हैं भाई। और ये रास्ता जा रहा है सीधा चंडीगढ़, अम्बाला, पानीपत। और दोस्तों हमने एक और कीर्तिमान स्थापित करके उत्तम नगर से यशोभूमि साइकिल से आके बड़ा गौरव का काम किया है। और अब हम लोग चल रहे हैं अपने घर। वीडियो अच्छी लगे तो यार मुस्कुरा दिया करो, खुशी राम के साथ आप भी खुश हो। सही है ना भाई, वापसी आ गए जी गोला डेयरी वाले मोड पे। और दोस्तों ये दिल्ली में भी कोई एक अजूबा बन रहा है काफ़ी समय हो गया इसको बनते हुए अजूबे को। और ये नहर है जी, यहाँ से आएगा जी स्वच्छ पानी। कहाँ से आएगा आप लोग बताएं। और ये हम पहुँच गए जी इस टाइम कारगिल चौक। ये देश के जवान खड़े हैं जी कारगिल चौक। लाइट भी हो रही है भाई, इनको भी एक घर मिल गया है। और हम आ गए जी अब झंडा चौक, इसी को बोलते हैं झंडा चौक। पहुंच गए और हम लोग आ गए जी अब अपने प्यारे उत्तम नगर। ये है जी हमारा प्यारा उत्तम नगर। भीड़ भाड़ अत्यधिक है, खाली फ्लोर ही फ्लोर है, लेकिन फिर भी प्यारा है भाई।